हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर हुई वोटिंग, केजरीवाल की सीट पर सबसे कम वोटिंग। सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को मिल रहा स्पष्ट बहुमत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रात 8:30 बजे बुलाई बैठक। इस बैठक में दिल्ली के 7 सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष, कहा केवल मोहल्ला क्लिनिक से नहीं होता विकास। केजरीवाल 5 साल तक दिल्ली के विकास में बाधा बने। गोहाना नगर परिषद में हुए घोटाले का सीएम मनोहर लाल ने दिए डीसी को जांच के आदेश, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। देवेंद्र सिंह बबली ने सीएम के फैसले का किया स्वागत। सरकार के 100 दिनों पर वार पलटवार जारी, गृह मंत्री ने कुमारी सैलजा पर साधा निशाना, कहा सोने वालों को नहीं पता सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला, कहा विद दुष्यंत में चल रहा विवाद, जल्दी ही गिर जाएगी सरकार। सरकार के 100 दिनों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वार, का 100 दिनों में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे बड़े खुलासे। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से रचित द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ और फरीदाबाद विधानसभा को जोड़ने वाले गुरुग्राम कैनाल पर सिंचाई विभाग की ओर से बनाए गए पुल का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना, दुष्यंत ने कहा कि 5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद हुड्डा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री ने 100 दिनों में नशे की रोकथाम के लिए क्या किया, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा के मेन चौक पर यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों को रोकने के मकसद से राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मोटरसाइकिल वालों को अपने हाथों से हेलमेट वितरित किया और उन्हें हेलमेट पहनाए। चौंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में दूसरी बार फैशन शो का आयोजन किया गया। मेले के हसीन शाम का शुभारंभ भारत सरकार की केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल शाहबाद मारकंडा हॉकी स्टेडियम में पहुंचे, इस दौरान खिलाड़ियों और शाहबाद के लोगों ने रानी रामपाल का जोरदार स्वागत किया। भिवानी के डीसी कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर कृष्णलाल रंगा की बेटी सारिका अब जज बन गई है, उनका रिजल्ट 3 फरवरी को आया था। गुरुग्राम में खिलाड़ियों को जल्द नया स्विमिंग पूल मिलने वाला है। 2 करोड़ की लागत से कमला नेहरू पार्क में 45 साल पुराने स्विमिंग पूल को तोड़कर अब नया स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। प्रदेश में दिनों टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस बीच चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जाखड़ ने बताया कि हरियाणा में इसका प्रभाव अभी तक नहीं देखा गया है। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।
बिजली निगम बेशक बिल बकायेदारों से कनेक्शन काटने का डर दिखाकर बिल भरने की बात कर रहे हों, लेकिन निगम के इन प्रयासों का सरकारी विभागों पर कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। टोहाना में एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने मामले में तत्परता दिखाते हुए किसान को अस्पताल पहुंचाया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने गुरुग्राम के गांव चक्करपुर में अवैध रूप से चलाए जा रहे आधार सेंटर का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ के डाबौदा खुर्द की सरपंच पुष्पा देवी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुष्पा देवी पर पंचायती जमीन से मिट्टी चोरी करने का आरोप लगा है। फरीदाबाद में अपराधी किस कदर बेखौफ है। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में बदमाशों ने हथियारों के बल पर 55,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। गुरुग्राम में एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में युवक ने युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। और कोसली से दबंगों के दबंगई का एक मामला सामने आया है। पीड़ित किसान परिवार ने गांव कोटिया के रहने वाले बाबूलाल नंबरदार और उसके साथियों पर फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया।